हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका जोशी और आपका मार्गदर्शक, एस्ट्रो हेल्प हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी आज हम बात करेंगे वर्ष फल 2019 कर्क राशि वालों के बारे में। क्या कहते हैं कर्क राशि के सितारे। वर्ष फल 2019 आपके लिए खुशियों का पिटारा साबित होगा और आपके सभी रुके हुए काम पूर्ण होंगे और साथ में आपका भाग्य यह वर्ष बुलंदियों को जरूर छुएगा और छात्रों के लिए यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि के करियर के बारे में। कर्क राशि के सितारे कहते हैं यह वर्ष आपका काफ़ी अच्छा साबित होगा और आपके करियर के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जो भी काम रुके हुए होंगे वह भी पूर्ण जरूर होंगे। आपको मेहनत का परिणाम इस वर्ष जरूर मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए इस साल 2019 में 4 महीने बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। फरवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर अगर देखते हैं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो यह माह आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। आप अपना व्यवसाय भी बढ़ा सकते हैं और साथ में जो जातक नौकरी कर रहे हैं इन महीनों में आपके सैलरी वृद्धि होने के भी संकेत मिल रहे हैं या आपका प्रमोशन जरूर होगा। जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं 15 सितंबर से लगा करके नवंबर के बीच में आपके नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि अधिक से अधिक प्रयास जरूर करें। जो कर्क राशि के जातक अपना व्यापार बड़ा करना चाहते हैं मार्च तक आपके योग भी बन रहे हैं कि आप अपना व्यवसाय जरूर बड़ा कर सकते हैं। और जो जातक नौकरी कर रहे हैं तो अपने क्रोध पर काबू रखें, जल्दबाजी में आकर के इस्तीफा ना दें, नहीं नौकरी के लिए आपको पछताना पड़ सकता है। जो जातक व्यापार कर रहे हैं बिना विचारे शेयर बाजार में निवेश ना करें। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के आर्थिक जीवन के बारे में। क्या कहते हैं आपके आर्थिक सितारे। तो कर्क राशि के आर्थिक सितारे कहते हैं यह साल आपका उपलब्धियों से भरा होगा, साथ में इस साल आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत होगी। आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, आपका जान पहचान भी मजबूत होगी और इसी जान पहचान के माध्यम से आपका आर्थिक स्थिति में भी मजबूती जरूर आएगी। शेयर मार्केट में आप सोच समझ करके ही निवेश करें। अगर देखते हैं जुलाई से आपको शेयर मार्केट में भी लाभ जरूर होगा। अगस्त के महीने में खर्च में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए 2019 आर्थिक लिहाज से आपका काफ़ी अच्छा साबित होगा। इस साल आप अधिक धन अर्जित करेंगे। अगर देखा जाए तो आर्थिक संपन्नता आने के साथ आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और जिसके साथ आपको काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा। और नौकरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे जातकों को नौकरी भी लगेगी और साथ में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो आइए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहे इसके लिए सूर्यदेव को जल का अर्घ दें और उसमें लाल चंदन जरूर मिलाएं। तो आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। क्या कहते हैं आपके शिक्षा के सितारे। आपके शिक्षा के सितारे कहते हैं कि इस वर्ष आपको अपने साथियों से अधिक अंक जरूर मिलेंगे और इस वर्ष आप कुछ नया सीखेंगे और नया सीखने से ही आपको सफलता अधिक मिलेगी। और जो जातक डेयरी प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग या कृषि से संबंधित या जो है लॉ से संबंधित कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके हाथ इस वर्ष कुछ बड़ी सफलता जरूर लगेगी। जून और जुलाई के मध्य आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए आप सोशल मीडिया से दूरी जरूर बनाएं। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपका दाखिला किसी अच्छे संस्थान में हो सकता है। कुल मिलाकर के शिक्षा के बारे में वर्ष फल 2019 आपका अच्छा रहेगा। उपाय। शिक्षा के मामले में अधिक नंबर पाने के लिए आपको 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। कर्क राशि के सितारे कहते हैं यह वर्ष आपका खुशियों से भरा होगा, पारिवारिक जीवन खुशनुमा होगा। आपको अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें और उनका आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें और इस वर्ष आपके घर में कोई मांगलिक प्रयोजन जरूर होगा, शुभ प्रयोजन जरूर होगा और आपके घर में कोई नन्ना मेहमान का आगमन जरूर होगा। नन्ना मेहमान मतलब आपके घर में कोई बालक का जन्म जरूर होगा। इस वर्ष कर्क राशि वालों को अपने पिता के द्वारा कुछ धन प्राप्ति होने के भी योग बन रहे हैं। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक होगा जिससे आप अपने परिवार को
कम समय दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके परिवार के साथ आप समय व्यतीत जरूर करें। इस वर्ष आप अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सामान चोरी या गुम हो सकता है। और इस वर्ष आप अपने घर में खुशहाली और शांति के लिए पूजन पाठ या धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, क्या कहते हैं आपके सितारे। इस साल आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी और आपके प्यार के डोर अधिक मजबूत रहेंगे और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल ही रहेंगी। इस वर्ष आपको अपने प्रियतम के साथ घूमने फिरने के काफी मौके आएंगे। शुरुआत सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से ही होगी और जिसके माध्यम से आप लोगों की दूरियां भी कम होती जाएंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस बीच आप अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखें। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अपने सहकर्मी के साथ प्यार हो जाए, तो लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उसका ऑफिस के कामकाज पर फर्क न पड़े, नहीं तो आपकी नौकरी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप छात्र हैं तो आपको किसी क्लासमेट के ऊपर भी आपका दिल आ सकता है, लेकिन शुरुआत में यह प्यार एक तरफा होगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों लोगों का रुझान एक ही तरफ हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं आपकी पत्नी और बच्चे के बारे में, क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन में मिला जुला ही असर रहेगा। दंपत्य जीवन में कभी कभी टकराव भी संभव हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना होगा, नहीं तो उसमें कड़वाहट भर सकती है। इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी के सेहत के बारे में ध्यान भी रखना होगा, उनके सेहत पर विपरीत परिणाम पड़ सकता है। इस वर्ष बच्चे आपसे किसी वस्तु के लिए जिद कर सकते हैं, तो उन्हें डांटने के बजाय आपको चाहिए उन्हें प्यार से समझाएं। जुलाई और अगस्त के माह पर अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जो जातक अविवाहित हैं उनको इस वर्ष शादी जरूर हो जाएगी। आपके लिए खास उपाय, अविवाहित जातक को गुरु बृहस्पति का व्रत जरूर रखें, जल्द ही आपको शुभ समाचार भी जरूर मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्या कहते हैं आपके सितारे। आपके स्वास्थ्य के सितारे कहते हैं इस वर्ष आपका स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा मिला जुला असर रहेगा। कभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी आपका स्वास्थ्य डाउन भी हो सकता है, लेकिन साल की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से सराबोर रहेंगे। लेकिन जुलाई से आपके स्वास्थ्य में खास करके पेट से संबंधित कुछ दिक्कत और परेशानियां आपको हो सकती हैं। आपके ग्रह के चाल बताते हैं कि आप आंतरिक शक्ति से इस वर्ष सराबोर रहेंगे, अर्थात देखा जाए ऊर्जा से सराबोर रहेंगे, और इसी ऊर्जा के माध्यम से आपकी रुचि आध्यात्मिक चीजों में रहेगी, अर्थात देखा जाए तो आप आध्यात्मिक रूप से रुचि लेंगे, आध्यात्मिक कामों में रुचि लेंगे, और जिसके कारण आपको ईश्वर के प्रति आस्था जरूर जागृत होगी। सावधानियां, आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए। आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो साल के मध्य में आपको पेट से संबंधित या टाइफाइड से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय, कर्क राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आपके लिए विशेष साधना का उपाय है, जिससे आपको वर्ष 2019 काफी अच्छा सा व्यतीत हो। आपको माँ गौरी और गणेश जी की पूजा नियमित रूप से अगर करें तो कर्क राशि वालों के लिए साल 2019 बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत जरूर होगा। यह था कर्क राशि वालों का वर्षफल 2019। तो साथियों, आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।